नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर को लेकर है। कन्नौज के नाबालिग रेप कांड में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए नाबालिग पीड़िता के पास से मिले सैंपल से मैच कर गया है। कन्नौज पुलिस के मुताबिक डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद अब पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट की जाएगी। ये घटना 11 अगस्त की थी, जब नवाब सिंह पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा था। इस केस में पुलिस ने पीड़िता की बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया था, जो नाबालिग को लेकर नवाब सिंह के पास गई थी। और इसी मामले में 22 अगस्त को कन्नौज में बुलडोजर एक्शन भी हुआ था, जिसमें आरोपी नवाब के भाई नीलू यादव के रिश्तेदार का कोल्ड स्टोरेज ढहा दिया गया था। ऐसे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ राजनीति भी अब तेज हो चली है, क्योंकि आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर शिकायत की है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई भी हुई और अदालत ने सरकार से जवाब भी मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी ही नहीं बल्कि दोषी का भी घर नहीं गिराया जा सकता। सरकार ने अदालत में कहा है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ नगर निगम कानूनों के तहत नोटिस देने के बाद ही हुआ है। अब अगली कार्रवाई 17 सितंबर को होनी है, लेकिन इन सब के बीच आज की खबरों से बड़े सवाल उठे हैं। क्या अयोध्या नाबालिग रेप केस में डीएनए जांच की मांग कर रही समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज में नाबालिग से रेप केस की डीएनए रिपोर्ट भारी पड़ेगी? और क्या बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन सिर्फ राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही किया जा रहा है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में सभी पक्षों के साथ बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के शहरों से लेकर कस्बों तक बुलडोजर की दहाड़ अब नई बात नहीं। इधर गुनाह की खबर नहीं आई, उधर बुलडोजर का इंसाफ चालू हो जाता है। मामला बेटियों की हिफाजत का हो तो एक्शन और भी तेज दिखता है। चाहे वो अयोध्या में नाबालिग दलित से बलात्कार का आरोपी मोईद खान हो या कन्नौज में नाबालिग का यौन शोषण करने का आरोपी नवाब सिंह यादव। समाजवादी पार्टी से जुड़े इन चेहरों पर आरोपों के साथ योगी राज में एक्शन का बुलडोजर चल गया, लेकिन बुलडोजर ब्रांड इंसाफ के इस तरीके को नाइंसाफी करार देते हुए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के दौरान गंभीर सवाल उठे। जमीयत उलेमाए हिंद और कई अन्य याचिकाकर्ता यहां पहुंचे थे और उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस मामले में बुलडोजर जस्टिस के जरिए मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा, उनके घरों पर कार्रवाई की जा रही है। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि ये कार्रवाइयां सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि कोई अक्यूज है, किसी ने अपराध किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है या अवैध निर्माण कर रखा है, जिनके बारे में सरकार और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने उनको पर्याप्त सूचनाएं दी हैं, नोटिस भेजे हैं। उन नोटिस का या तो इन लोगों ने जवाब नहीं दिया या फिर वो पेश नहीं हुए, लिहाजा ऐसे में डेमोलिशन म्यूनिसिपल नियमों के अनुसार हुआ है, ना कि आईपीसी के मुताबिक हुआ है। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कहा कि ये इस तरह की प्रवृत्ति सही नहीं है और जो आरोप लगाए गए हैं, याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर फर्दर सुनवाई के लिए 17 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा और कहा कि इस पर पूरे भारत में लागू होने वाले दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर एमपी तक और राजस्थान तक जब इस तरह के गुनाह के आरोपियों के खिलाफ हुकूमत ने बुलडोजर एक्शन लिया, तो जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी। अर्जी में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने के मकसद से बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा देती हैं, जिसमें शासन और प्रशासन पीड़ितों को बचाव का मौका तक नहीं देता। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर घर ढहाए जा रहे हैं। दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 घर ढहा देने का दावा किया गया। अर्जी में एमपी से लेकर राजस्थान की पिछले दिनों हुई घटनाओं का हवाला दिया गया। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सरकार का पक्ष है कि बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण या अतिक्रमण के मामले में हुई है। हालांकि अयोध्या से लेकर कन्नौज तक जो बुलडोजर चले हैं, उनमें कार्रवाई बलात्कार के आरोपों के बाद की गई। नहीं, बुलडोजर जस्टिस कोई जस्टिस सही नहीं है, और मैं तो बार बार कहता हूँ बुलडोजर बहुत बेवफा है। छतरपुर में भी चलता है, अयोध्या में भी चलता है, काशी में भी चलता है, तो सावधान हो जाओ इस देश के लोगों।
एक दूसरे पे बुलडोजर चलने पे जो लोग खुशी मनाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये बुलडोजर बहुत बेवफा है, कब तुम्हारी घर की तरफ मुड़ जाएगा पता नहीं। कन्नौज में नाबालिग से रेप के जिस मुकदमे के दर्ज होने के बाद नवाब सिंह यादव के छोटे भाई के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला, उस मामले में कन्नौज पुलिस ने दावा किया कि पीड़िता के पास से मिले सैंपल के साथ आरोपी नवाब यादव का डीएनए मिलान हो गया है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है, जिसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक डीएनए सैंपल मैच होने के बाद अब आरोपी के खिलाफ नाबालिग से बलात्कार के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अब तक इस मुकदमे में 11 अगस्त को कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। पीड़िता ने पुलिस के 112 नंबर पर डायल कर शिकायत की। चंद घंटे के अंदर 12 अगस्त की रात 2 बजे नवाब सिंह यादव को उनके कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अगस्त को पीड़िता की बुआ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 22 अगस्त को नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज को गिरा दिया गया। 31 अगस्त को पुलिस ने नवाब के भाई नीलू यादव के खिलाफ 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। अखिलेश यादव जी, कृपया बताने का कष्ट करें, जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे। वैसे अयोध्या केस में मोहित खान का डीएनए टेस्ट की मांग कर रही समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज में डीएनए रिपोर्ट मैच करने के बाद सियासी मोर्चे पर मुकाबला आसान नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, कई कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते रहे हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। अब यूपी में सियासत के दो सूत्र दोनों पक्षों के पास हैं। बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, तो विपक्ष को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अदालती इंसाफ की आस जागी है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इस खबर पर बड़ी चर्चा हम करें उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कनाडा में पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। एपी ढिल्लो के बंगले पर फायरिंग के इस मामले में पंजाबी गायक हैं एपी ढिल्लो, जिनके घर पर फायरिंग के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ब्राउन मुंडे समर हाई फेम सिंगर एपी ढिल्लो को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें मशहूर सिंगर के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। ये घर उनका कनाडा के वैनकूवर में है। इस घटना ने सभी को सकते में डाल दिया। हालांकि 1 सितंबर की यह घटना है, लेकिन जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब इस मामले की जिम्मेदारी ले ली है। इससे जुड़ी हुई जैसी और जानकारी निकलकर सामने आएगी, आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं उस अहम खबर का, जिसको लेकर आज दिनभर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा होती रही। एक सवाल यह कि क्या बुलडोजर न्याय, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में इसको न्याय बताकर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, सुप्रीम कोर्ट जब आगे फैसला देगा क्या उससे ब्रेक लगेगा या फिर क्या होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं डीएनए की मांग एक रेप पीड़िता को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की थी, अब तो डीएनए मैच कर गया है नवाब सिंह यादव का, ऐसे में क्या करेंगी पार्टियां। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जमई जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल दुबे साहब, स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर एमएच खान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज तो अमित जमई साहब आपसे शुरुआत करनी होगी। अब तो नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच कर गया है, क्या है पहली प्रतिक्रिया इस पर आप लोगों की? बार बार आप लोगों की ओर से मांग की जा रही थी डीएनए मैच हो, विरोधी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है हमारे नेताओं को, अब तो डीएनए मैच कर गया है समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता से। सबसे पहली बात तो नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के कोई नेता रहे, उनको बहुत अरसों पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको कोई ताल्लुक समाजवादी पार्टी से नहीं था। जो कार्रवाई कानून के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा का मामला, रेप का मामला है, जो होना चाहिए सख्त कानूनी कार्रवाई नवाब सिंह पे करिए।
लेकिन फरुखाबाद में आपका मुंह क्यों सिर जाता है? दो जाटों बेटियों को फरुखाबाद में दबंग समाज से आए हुए लोगों ने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया, उनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा नाम बताते हैं ना कि किस जाति के किस धर्म के आरोपी हैं और क्रिमिनल हैं, उनका नाम क्या है, आगे मोहम्मद है, जमील है, शमीम है। तो फरुखाबाद के जो दोनों आरोपी हैं, मुख्यमंत्री जी उनका दफ्तर नाम क्यों छिपा रहा है? उन दोनों बेटियों के जिस्म पे चित्र त्रिपाठी जी, उनके क्या पिता है ने नाम आप कहा, बता दीजिए, मुख्यमंत्री दफ्तर को छिपाने दीजिए, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है, आप लोग बोलिए। हाँ कांटों से नहीं, कांटों से उनके जिस्म छलनी थे, खून से लथपथ थी जिस्म, और उन बेटियों को बिना बाप माँ बाप के उनको अंतिम संस्कार सरकार ने क्यों करा दिया? हमारा ये कहना कि महिलाओं के मामले में जब आप कोई अपराध का मामला हो, पार्टी का, राजनीति का, धर्म का, जाति का सहारा आप क्यों लेते हैं? जैसे कार्रवाई नवाब सिंह पे हुई है, वैसे ही कार्रवाई फरुखाबाद में करिए, चलवाइए बुलडोजर। आपका बुलडोजर क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति मैच कर रही है, समान नंबर की जाति मैच कर रही है फरुखाबाद के मामले में, तो मुंह सिल गया आपका, नहीं चलेगा बुलडोजर आपका। आप पता करिए कौन लोग हैं उसके अंदर आप जो आरोपी बताइए ना है। अमित जमीन साहब, आप पता करने में तो आपको पूरी जानकारी है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप बताइए नाम लेने में मेरा आप क्यों डर सवाल रहे सिर्फ हैं? ये है कि आप क्यों डर क्या रहे हैं अमित जमई साहब, किस बात का मेरा डर है? सवाल जब सिर्फ एक एक इतना मामले में, है, आप मेरी बात सुनिए, जब एक मामले में हम कहते हैं कि नहीं डीएनए मैच कराइए क्योंकि ये जो सरकार है ये विरोधियों को फंसाने का काम करती है, तो अब जब ये वाला मामला है आप नाम लेकर बताइए ना किस बात का डर, किसी भी जाति से वो ताल्लुक रखते हो, अपराधी तो अपराधी होता है ना सर, राजनीतिक दल उसको जाति की निगाह से क्यों देखते हैं? मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री मोहित खान का धर्म बताते हैं और नवाब सिंह के आगे पीछे क्या लगा हुआ है वो बताते हैं, हम तो सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं ना कि सरकार बताए कि फिर वही बात। फरुखाबाद में जो दो जाटों बेटियों की हत्या का उकसाने का मामला आया है वो किस समाज के लोग, किस जाति के लोग है, सरकार बताए ना। हम तो धर्म जाति नहीं देखते अब हैं, जाति देखकर महिलाओं थोड़ी के ना खिलाफ कार्रवाई की अपराध जाएगी, बढ़ मैं रहा है। पूछ लूंगी शिवम त्यागी से, लेकिन मैं अमित जमाई साहब आपसे जानना चाह रही हूं, आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन है, आप ये कह रहे हैं कि जो दोषी हैं वो मुख्यमंत्री की जाति से ताल्लुक रखते हैं, तो आप नाम बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ काम शिवम त्यागी पे भी छोड़ दिया जाए ना, जाति देखने चलिए का काम शिवम तो त्यागी भाजपा जी करती है, बताइए, जाति हम नहीं दर्द करते देखकर हैं। आप लोगों की ओर से कार्रवाई की जाती है, उनका सीधा आरोप है फरुखाबाद के मामले पर। मैं लौट रही हूं आपके पास, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान का ये रिन्यूअल कार्यक्रम चल रहा है जिसके जरिए बीजेपी अपने सदस्यों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और वहां पर नारेबाजी भी हो रही है। दोबारा इन तस्वीरों के पास आपको लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से, अब चूंकि जिस तरह के रिजल्ट आए उसके बाद अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहती है और उनके जरिए और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहती है कि इन किन राज्यों में उसकी सीटें कम रह गई, वहां पर सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा तादाद बढ़े। लेकिन शिवम त्यागी जी, जो सीधा सवाल अमित जमई ने पूछा था, जाति धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं क्या आप लोग, और वो फरुखाबाद के मामले को लेकर आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो उनके आरोप है कि मुख्यमंत्री की जाति से हैं, इस वजह से आप लोग आरोपियों का नाम लेने में डर रहे हैं। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्रवाई जो है जाति या धर्म देखकर नहीं करती है, लेकिन जो लोग हैं जो गलत करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको जाति और धर्म देखकर छोड़ा भी नहीं जाएगा। सबसे पहले तो आज ही अपने आप में बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता जूही सिंह ने आकर इस बलात्कारी के लिए कहा था कि रात को एक बच्ची जो है 12 साल की, वो एक इस तरह से व्यक्ति के पास गई क्यों थी, इसका डीएनए होना चाहिए। आज नवाब सिंह यादव जो है उनका डीएनए भी हो गया है, मैच भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब आगे जो है पॉक्सो में कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते थे कि उसको उसका नाम यादव है इसलिए हम उसको छोड़ दें? मोहित खान जो एक 12 साल की बच्ची का बलात्कारी है, हम उसको, वो मुसलमान है, उसको इसलिए छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। अब इन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ जो है जाति और धर्म देखकर चला जाता है।
मैं तो अपनी तरफ से एग्जाम्पल देता हूं, श्रीकांत त्यागी क्या मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? नंदगोपाल नंदी का भी अवैध अतिक्रमण जो हटाया गया वो मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अर्जुन पर बुलडोजर चला, पीयूष पर बुलडोजर चला, ये प्लीज बीच में मत बोले, आसाराम बापू को रोज लेकर आते हैं, जेल में है, उनको सजा हो चुकी है, वो बेल पर बाहर है कुछ दिनों के लिए, प्लीज आसाराम बापू पर चर्चा नहीं चल रही है अमित जमे साहब, प्लीज मुद्दे पर रहते, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। भूषण सिंह के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? बोलिए शिवम त्यागी, ठीक है आप उनको बोलने दें। शिवम त्यागी कोई लाभ नहीं है, मैं चला सकता हूँ बट चलाना नहीं चाहता। बोलिए, ऐसे ही टोपी ट्रांसफर करते रहना, लेकिन किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा। मोहित खान का भी अभी डीएनए हुआ है, उसका भी साहब ये शुरुआती कमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बचाते हो ना, एक एक के फन देखकर हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। थैंक यू। तो चित्रा जी विषय बहुत साफ है, बलात्कारी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कहीं से भी इत्तेफाक रखता हो, किसी का भी कोई कनेक्शन हो, अगर वो बलात्कारी है तो उसके खिलाफ सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी। हाँ मुझे इतना जरूर पता है अमित जवाई को बड़ा दर्द है क्योंकि मोहित खान पर कार्रवाई, क्योंकि पवन यादव पर कार्रवाई हो गई, इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, चाहे गायत्री प्रजापति होगा उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी, कोई भी होगा इसी तरह की कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चिल्ला जी के पहले ही कमेंट में इस तरह की चिल्ला चिल्ली होनी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं चिल्ला सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गृह मंत्री को रोक देंगे, संस्कार किसके अच्छे हैं सामने आ रहा है भाई, समाजवादी का कार्यकर्ता जो है सामने आ रहा है, मोहित खान नगर अध्यक्ष सामने आ रहा है। अमित जमई साहब मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है, रोक देंगे ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। और अमित जमई जी, मैं तो आज ये उम्मीद कर रही थी कि जूही सिंह की ओर से जो बयान दिया गया था उस पर आज खेद व्यक्त करेंगे और आप शर्मिंदा होते हुए माफी मांगेंगे, लेकिन यहाँ पर आप राम रहीम आसाराम, अरे उस पर डिबेट थोड़ा, आप यूपी की बड़ी पार्टी हैं सर, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है, आप अपने मुद्दे से भटक जा रहे हैं अमित जमी जी, आप अपने मुद्दे आसाराम पर डिबेट नहीं हो रही है, आप पता नहीं पिछले डिबेट से आसाराम को लेकर आते हैं इस डिबेट में, प्लीज अमित जमी जी उनकी बात हो जाए, और तीन लोग इंतजार कर रहे हैं, आशुतोष जी, एमएस खान जी हैं, बाकी लोग भी अनिल दुबे जी हैं, प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता है। शिवम त्यागी जी अपनी बात जल्दी से खत्म करें, बाकी लोगों के पास जाना है। थैंक यू। आपने शुरुआत की थी कि आज डीएनए मैच हो गया, समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है और वो डीएनए है कि किसी भी तरीके से बलात्कारियों को बचाओ, समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है कि अगर बलात्कारी किसी विशेष धर्म से है तो उसको बचाओ, समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही डीएनए है कि किसी विशेष जाति से अगर कोई बलात्कारी है तो उसको बचाओ, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी का डीएनए है, ये जो बलात्कारी डीएनए है, हम इसको बर्दाश्त इस उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे, देश में जहां भी सरकारें हैं नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आप कितना ही चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, नाम नए नए उछालते रहिए, बारह बारह साल की डीएनए की मांग करने वालों को ऐसे ही जवाब मिलेगा। फरुखाबाद वाले मामले में क्या हुआ है अब तक? अरे आप मत बताइए पढ़ाई लिखाई, फरुखाबाद वाले विषय में भी कार्रवाई हो रही है, वहां जाति देखकर कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप मुझे एक चीज बताइए ना, रेप पे नंबर टू, कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए रनिंग कमेंट्री करने के लिए बैठे हुए क्या? उत्तर प्रदेश में जवाब दिया नहीं जा रहा आपसे, मोहित खान पर जवाब दीजिए, क्या हुआ नंबर टू पे बताइए, इसमें क्या हुआ? कन्नौज वाले विषय में क्या हुआ बताइए ना, ये जो कार्यकर्ता आपके रात को 12-12 बजे बच्चियों को बुला रहे हैं, बताइए इस पर जवाब दीजिए, इनके लिए आपको जो है आपके प्रवक्ता खड़े हो गए थे, नेता खड़े हो गए थे, जवाब दीजिए, कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है आपको भाई? मोहित खान पर कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहे? इतना चिल्ला क्यों रहे बताइए ना, समय और डेट बताइए ना, इतना चिल्ला क्यों रहे? कब करोगे बुलडोजर, कब चलाओगे? कोई समय नहीं, बलात्कार के हर एक आरोपी पर कार्रवाई होगी, एक एक आरोपी पर, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, विषय कोर्ट में, ब्रजभूषण का भी विषय कोर्ट में, विषय कोर्ट में, अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई थी आयोग ने, आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई थी, खुद एक जांच कमेटी बनाई, उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया सारी चीजें हुई, आप जानते नहीं तो मैं क्या करूं? चले ठीक है, तो मैं में से आगे बढ़ते हुए आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए, उम्मीद है अमित जमे जी बाकी लोगों के मामले में आप नहीं बोलेंगे, क्या नाम लेने से आप डरते हो? मैं नहीं डरता, हो गए नवाब सिंह यादव का नाम लेने से आप डरते हो? मैं नहीं डरता, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज आप डिबेट खराब करने की मंशा से आए हुए हैं, और अगर आप लगातार ऐसा करेंगे तो माफी के साथ मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा।
मैं उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से आपको फ्री हैंड शुरू में बोलने दिया गया उसी तरह से बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। आशुतोष जी, ठीक है शिवम जी, आशुतोष जी अब सीधे आपके पास आते हुए, आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है बुलडोजर के मामले को लेकर, उनकी ओर से कहा गया है सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं, इसके संकेत और संदेश क्या देख रहे हैं आप? नहीं, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को, बुलडोजर पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी बता दिया एक तरीके से, कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर क्या हो सकती है? और ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कन्नौज का जिक्र तो आता है लेकिन उत्तराखंड के देहरादून का जिक्र नहीं आता है। आज का अखबार है दो खबरें हैं और दोनों ही मोलेस्टेशन और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें हैं, इंडियन एक्सप्रेस में बैक टू बैक छपी हुई हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रमुख है देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसने 14 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का काम किया है। दूसरा भी देहरादून का है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और यह क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ उत्तराखंड कॉरपोरेटिव डेयरी फेडरेशन, दो लोग हैं। तो जितनी तेजी के साथ कन्नौज में बुलडोजर चलता है, जितनी तेजी के साथ किसी मुस्लिम तबके के समुदाय के का नाम लिया जाता है, उतनी ही तेजी के साथ बुलडोजर इन दोनों मामलों में कब चलेगा? ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, दूसरे आदमी के बारे में नहीं। अभी आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब बारिश हो रही थी तो उस बारिश में 18-19 लड़कों के नाम थे, मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ दो लोगों का नाम लेते हैं और वो दोनों लोग अब बाकी के नाम नहीं लेते हैं। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भाई ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ मैं अमित जमई की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं, ब्रजभूषण सरन सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा, क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा, अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन यहां नहीं डिमोलिश होगा। ठीक है, ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है जबकि वो कन्विक्टेड है दो लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए, अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तब भी आप उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि क्या इससे बड़ी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो सकती है। एमएस खान साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, शिवम त्यागी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी जी, मुझे मौका दीजिए। हाँ बोलिए, उन्होंने कई मुद्दे उठाए, उत्तराखंड के दो मामलों का जिक्र किया है। सबसे पहले मैं एक चीज बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आशुतोष जी जर्नलिस्ट थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी कब करने लगे। एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति का जब डिमोलिशन ड्राइव चलता है सबसे पहले उसकी जो है उसने किस जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये म्यूनिसिपल चेक करता है, उसके बाद उसको नोटिस भेजता है, उसके बाद वहां डिमोलिशन ड्राइव होती है। मोहित खान के यहां पर अगर डिमोलिशन ड्राइव हुई तो वो इसलिए हुई क्योंकि उसने तालाब की अवैध जमीन कब्जाई हुई थी। अगर मुख्तार अंसारी का गजल होटल तोड़ा गया तो वो एक जमाने में वहां बैठकर मुलायम सिंह यादव जी को गजल सुनाता होगा, इसलिए वो मामला अवैध था, उसने गजल के नाम से होटल बनाया, वो डिमोलिश कर दिया गया। अब आशुतोष जी कोई सबूत दे दे कि किसी एक व्यक्ति का जो घर नहीं तोड़ा गया वो अवैध था, अवैध को ही तोड़ेंगे ना। अब एक और चीज इन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तमाचा मारा है, जो कहा है, वो देश और उत्तर प्रदेश के सरकारों के लिए एक ऐसा डिसीजन है, इससे सख्ती तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ही क्यों? अशोक गहलोत ने पेपर लीक वाले मामले में सुरेश ढाका के घर पर बुलडोजर चला दिया था, वो इसके दोषी नहीं है क्या आपके हिसाब से? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वहां पर एक महिला नशा तस्कर थी उषा, उसके घर पर अशोक गहलोत ने उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग तोड़ दी थी, वो इसके गुनहगार नहीं है क्या? और उनके नाम में तो मुझे कहीं मुसलमान भी नजर नहीं आ रहा, खान भी नजर नहीं आ रहा। छोड़ दीजिए इसको, अभी जो है जिस पार्टी के आप पूर्व कार्यकर्ता थे
उसी पार्टी की पंजाब की सरकार ने शिवालिक पर्वत के पास में ब्लॉक माजरी न्यू चंडीगढ़ में अप्रोक्सीमेटली 29 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसको फ्री कराया है। इसमें आपका ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, क्या क्यों कहां चला गया भाई ये लॉजिक? इसके अलावा छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में हुआ भाई, उन्होंने भी डिमोलिशन ड्राइव चलाई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको भी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथन ने बिल्कुल साफ कहा है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बट देयर हैज टू बी सम वे। दोनों पक्षों से सलाह मांगी गई है, विद इन अ वीक दोनों पक्षों को सलाह देनी है और उसके बाद एक डिसीजन आना है। ठीक है, जब इस देश में बाकी सरकारें हर जगह इस तरह की कार्रवाई करती हैं, तब तो आशुतोष जी कोई सवाल नहीं पूछते, और कोई मुसलमानों के और कोई माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है ये, हर किसी के खिलाफ है। 20 नाम मैं आपको अभी यहां पर बैठकर गिना चुका हूं, आप उस पर तो सवाल नहीं करते। कोर्ट आपकी तरह बायस नहीं है आशुतोष जी, जस्टिस गवाई आपकी तरह बायस नहीं है। आप जवाब ले लेते हैं, बाकी दो लोग अनिल दुबे, एमएच खान जी इंतजार करें। बोलिए, फिर पढ़ देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रमुख, 14 साल की लड़की, क्या शिवम जी ने उसका जिक्र किया आपने अपने इस पूरे दौरान? नाम ले लेता हूं मैं, उनका नाम है भागवत सिंह। नहीं, आप गोल करके मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। आप कह रहे थे कि माइनॉरिटीज पर बुलडोजर चल रहा है, ये माइनॉरिटीज के नाम है क्या? ठीक है, आशुतोष जी की बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की क्या राय है। बीजेपी का मंडल प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य, एक ही दिन में 2-3 खबरें छपी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, इसके ऊपर इनकी मुंह में इस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि इसका घर डिमोलिश होना चाहिए? आप धर्म विशेष के, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने आपको नहीं बोला, प्लीज, धर्म विशेष के लोगों का नाम ले लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, बीजेपी का मंडल प्रमुख है शिवम जी, उसका नाम लीजिए, यहीं पर कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस आदमी का घर डिमोलिश करना चाहिए और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप नाम लीजिए, दो लोग, और एक तीसरा नाम भी है नीचे लिखा, एक ही दिन अखबार में एक ऊपर 3 लोगों के नाम है, आप उनका नाम नहीं लेते हैं, आप सिर्फ धर्म विशेष के एक लोगों का नाम लेते हैं और उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया में भी इसी को उछाला जाता है। मुझे मौका दीजिएगा। अब आशुतोष जी आप तो बैठे ही हैं अपनी बातों को कहने के लिए, फिर मीडिया के ऊपर भी आप आ जाते हैं, खैर उस पर नहीं जाते हुए। शिवम जी मैं आऊंगी, एमएच खान जी, अनिल दुबे जी बिल्कुल भी नहीं बोला है। चित्रा जी मात्र 10 सेकंड और ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कहना चाहता हूँ, सुनिए आशुतोष जी आपके लिए मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कहो तो नाम भी ले दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो उस पर बलात्कार के अगर आरोप लगे हैं तो जो कार्रवाई इस देश में किसी भी धर्म के किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ होती है वही उस पर होनी चाहिए। ठीक है, एमएस खान जी अब आपके पास आते हुए, एमएस खान साहब ठीक है, आप लोगों की बात हो गई, बनना बंद कीजिए। एमएस खान साहब, केंद्र सरकार की ओर से आज सर्वोच्च अदालत में ये कहा गया है, ठीक है शिवम जी, होनी चाहिए, किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया, आरोपी के अवैध कब्जों पर म्यूनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन किया गया है। क्या है इस पर आपकी टिप्पणी एमएस खान जी? नहीं चित्रा जी, ये बात आपकी सही है, मैं आपके ही चैनल पर 3-4 दिन पहले मैंने कहा था कि एक जुल्म की सजा 2 नहीं दी जा सकती है, एक अपराधी को कोई भी चाहे हत्या का हो चाहे बलात्कार का हो एक ही सजा दी जा सकती है, चाहे उसका घर गिरा दो और चाहे आईपीसी की धारा के अंतर्गत उसको अरेस्ट करो और कोर्ट में ले जाकर उसको फांसी की सजा दिलाओ। मैं तो डिमांड कर रहा हूं आपके चैनल पर बैठ के, डिमांड करो अभी कल परसों में डिमांड किया है कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून ले आए बलात्कार के मामले में जो एक महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बैठ करके उसको फांसी पर लटकाने का काम करे। ये मेरी डिमांड पहले आपके ही चैनल पर की मैंने, आज भी मैं कह रहा हूं। अब सवाल इस बात का है, अयोध्या की बात देख लीजिए, अयोध्या में जिसका घर गिराया गया वो तो घर गिरा दिया गया लेकिन पुलिस चौकी उसी की जमीन पर बनी हुई है चित्रा जी, वो नहीं गिराई गई, पुलिस चौकी उसी की जमीन पर बनी हुई है उसको नहीं गिराया गया, ये क्या कहलाता है? हम तो ये कहते हैं कि फर्रुखाबाद हाथरस में जो घटनाएं घटी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही घटी हैं, जो हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ आपने मिट्टी का तेल डाल करके आपने जो भी चाहा डाल करके जला दिया, आपने मां बाप को चेहरा तक नहीं देखने दिया, ये कौन सा इंसाफ है?
आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि ये बुलडोजर कोई हल नहीं है। अगर आपको किसी जगह पर जमीन ऐसी लगती है वहां चलाइए, ठीक है, लेकिन कोई आदमी कुछ भी कर ले उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे आप? क्या तमाशा, कानून अदालतें बंद हो जाएंगी क्या? अदालतों को बंद कर दिया जाए क्या? आप स्पॉट ऑन स्पॉट फैसला करेंगे क्या? बिना गवाह के फैसला करेंगे क्या? किसी ने आरोप लगा दिया आप फैसला करेंगे क्या? बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, ये कानून के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है, नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप दोनों लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अरे किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ के साथ बलात्कार होता है, सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये संविधान भी कहता है। लेकिन अगर आप लोग होता नहीं करेंगे ऐसे बात, ये तो दिक्कत है एमएस खान साहब। ठीक है, हमारे पैनलिस्ट में अगर किसी के भी पास कुछ ऐसे नाम हो जिनका अवैध निर्माण नहीं रहा हो लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई उनके घर पर कर दी गई है तो प्लीज आप लोग अपनी बात कहिएगा, हाथ उठाएगा। लेकिन उसके पहले अनिल दुबे जी, एमएस खान जी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि अदालत से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना, और तत्काल फायदा लेने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है। देखिए चित्रा जी, उन्होंने जो कहा ये बात तो हम लोग भी पहले से कह रहे हैं, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने भी इस बात को कहा कि जो अदालतें हैं, अदालतों का काम प्रशासन अगर करेगा तो वो खराब है। लेकिन जो त्यागी जी ने कहा, शिवम त्यागी ने जिन बातों को कहा और आपने भी उन मुद्दों को उठाया कि अगर किसी के पास कोई अवैध ना रहा हो तो वो अपना पैनलिस्ट अपनी बात बताओ। हम लोग भी इस बात को कहते हैं कि अगर किसी का मकान, किसी की दुकान, कोई भी ऐसी चीज जो नक्शे के साथ रही हो, नियमों के अनुकूल बनी हो, अगर वो गिरी हो तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी जिसने इसको किया हो। लेकिन अगर नियमों के विपरीत ये कर रहे हैं तो, लेकिन ये बात भी इसलिए चित्रा जी देखने की जरूरत है कि ये अवैध निर्माण जब हुए तो उस समय कौन से अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने उन अवैध निर्माण को होने क्यों दिया, साथ में इस बात की भी जरूरत है कि उसको भी देखा जाए। लेकिन मैं इस बात का, हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम लोग इस बात को चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, यह अक्षरशः लागू होनी चाहिए। किसी का के खिलाफ FIR हो गई, अभी अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है, उसके बाद दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अभी सिर्फ जवाब मांगा है सभी पक्षों से, क्या है आप लोगों का पक्ष इस पर? हाँ, लेकिन हम लोग तो चित्रा जी इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी का अगर वो अवैध नहीं है तो मकान उसका नहीं गिरना चाहिए। अगर उसने नियमों के अनुसार तो आपको भी क्या ऐसा लगता है कि कई ऐसे मकान रहे जो अवैध नहीं रहे और यूपी की सरकार ने गिराए हैं ऐसे मकान, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा कहीं गिरा है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी तक जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं या आशुतोष जी कह रहे हैं, ये भी बता दें कि अगर कहीं किसी का गिरा हो और वो वैध रहा हो तो इस बात को बताएं, हम उनके साथ करें। ठीक है, आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अमित जमई जी बहुत देर से उन्होंने कुछ नहीं बोला है, अमित जमई साहब, लेकिन अब आपके पास आते हुए, जमीयत उलेमाए हिंद को कोर्ट जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि देखिए भाई ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के हिसाब से कार्रवाई करते हैं और इस तरह से राजनीतिक विरोधियों को भी निशाना बनाते हैं। समाजवादी पार्टी, मतलब लगातार आप लोग इस मुद्दे को देख रहे हैं, 2017 से ही वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आप लोगों ने खुद जाकर कोर्ट में क्यों जमीयत उलेमाए हिंद को जाना पड़ा? यह मुद्दा इतना बड़ा है तो फिर तो उससे विपक्ष से भी उतनी ही संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है ना। अब जमीयत उलेमाए हिंद गए, उसके बाद हिंदू मुसलमान पूरे मामले में होने लगा। देखिए, जमीयत जो जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई जी, वो बात सिर्फ जमीयत उलमा की नहीं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ साथ ब्राह्मण समाज के लोग, यादव वर्ग के लोग, मैं चुन चुन के, अगर आप कही तो मैं अगले प्रोग्राम में आपके पास लिस्ट लेकर आऊं, उनका बुलडोज करना। ये जो मकान आप छतरपुर का दिखा रही है, इस नौजवान की सिर्फ ये गलती थी, जबकि डीएम कप्तान की पीस कमेटी का वो हीरो था छतरपुर का, सिर्फ ये कि उसने एक आंदोलन में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गलत बात कही गई, उसको लेके एक प्रोटेस्ट हुआ। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, आरक्षण के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, शहर के शहर चला दिए जाते हैं, गाड़ियां चलाई जाती हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। हम कह रहे हैं आप कानूनी कार्रवाई करते, इतना बड़ा घर मेहनत मशक्कत से उसने बनाया होगा। आप कह रहे हैं नगर निगम, अनिल दुबे जी लखनऊ में रहते हैं,
बहुत ही वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश के, लखनऊ 90% आज समाजवादी पार्टी की सरकार की 90% लखनऊ अनऑथराइज और 2.5+ जो एलडीए का मानक है, मानक नहीं है, एमएलए एमपी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं 90% अनऑथराइज, उनकी बिल्डिंगें जहां वो रहते हैं उनके मकान उसका नक्शा नहीं है, पूरा लखनऊ गिरा दोगे? अनिल भाई बताइए आप ईमानदारी से, लखनऊ कितने परसेंट नगर निगम के मानकों के एलडीए के मानकों पे बना हुआ है? एक मकान नहीं बचेगा, पूरा बुलडोज करके खंडहर कर देना पड़ेगा। तो सरकार का मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को, ब्राह्मण समाज को, यादव समाज को परेशान किया जाए। अब अमित जमाई साहब, ये बात तो समझ में जमी थे, उलेमाए हिंद बोल रहा है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप अब उसमें ब्राह्मण समाज भी लेकर आ रहे हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई एक धर्म विशेष को देखकर योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है या फिर सबके सबकी बातें हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इनकी ओर से एक सेकेंड सुनिए, एक सेकेंड सुनिए, जमीयत उलेमाए हिंद ने जो याचिका, इसमें आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें ब्राह्मण को भी बाकी वर्गों को भी शामिल किया जा रहा है, तो ये तो दो अलग अलग बातें हो गई ना। मेरा चित्रा जी, मेरा ये कहना है कि मुसलमानों के साथ तो वो प्राइम एजेंडे पर हैं, हाँ, कि मुसलमानों को टारगेट करना है। प्रयागराज में जो मोहम्मद जावेद साहब जो मामला आया इस देश प्रयागराज के अंदर, चित्रा जी कप्तान डीएम उनका कैरेक्टर उनका सब कुछ, हर पीस कमेटी के वो इलाहाबाद, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है जमाई साहब, मैं दोबारा से कनेक्ट करवाती हूँ, बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, ठीक है बहुत ब्रेक हो रही है, एक बार दोबारा हम जोड़ने की कोशिश करते हैं शिवम त्यागी जी, तब तक उनकी बातों पर जवाब दीजिए आप। शिवम त्यागी जी, वो कह रहे हैं हर वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, और यहाँ पर तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनकी ओर से तो ये भी कह दिया गया है कि बुलडोजर बेवफा है, वो कब किसके घर चल जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बेवफा है, लेकिन उन्हीं के मुख्यमंत्री जब जो है पंजाब में बुलडोजर चलाते हैं और 27 एकड़ जमीन खाली कर देते हैं तो वो बिल्कुल एकदम वफाई वाला हो जाता है, 84 एकड़ जमीन पर और उनको बुलडोजर चलाकर उसको खाली करना है वहां फुल वफाई वाला हो जाता है, वहां पर सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि वहां तक मीडिया का कैमरा पहुंच नहीं पाता, वहां की खबरें होती हैं तो वो दब जाती है किन्हीं कारणों से, इस वजह से इशू नहीं बन पाता। एक आपने कहा कि ये कहते हैं कि सब जाति धर्म पर, नहीं ऐसा नहीं कहा इन्होंने, जमीयत ने अपना धर्म का एजेंडा पकड़ा बहुत साफ, उन्होंने कहा वो कोर्ट में इस बात को लेकर गए कि माइनॉरिटीज यानी कि स्पेसिफिकली मुस्लिम्स पर ये बुलडोजर चल रहा है, बात बिल्कुल झूठ है, मैं 10 नाम नहीं आपको बैठे हुए गिना रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि श्रीकांत त्यागी से लेकर नंदगोपाल नंदी से लेकर प्रीतम से लेकर अर्जुन से लेकर और इसके अलावा पीयूष से लेकर जाने कितने लोगों पर चला है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जमीयत मैं ससम्मान कह रहा हूं, जितने नाम आप बता रहे हैं वो क्रॉस चेक किया जाएगा शिवम त्यागी जी, कोर्ट में किन किन चीजों को लेकर लेकर बिल्कुल डबल चेक ट्रिपल चेक कीजिए, मैं तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे को हाँ क्या बता रहा हूं ना, जमीयत कितनी सही बातें कह रही है, सुन लीजिए, जमीयत वही जमीयत है जो कमलेश तिवारी के गर्दन काटने वाले लोगों के लिए कोर्ट में लड़ रही है, जमीयत वही कह रही है जो अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आतंकवादियों के खिलाफ जो चल रहा है मामला उन आतंकवादियों के समर्थन में कोर्ट में, हमें मत बताइए जमीयत क्या कर रही है, आपकी बारी में वो शांति से सुन रहे थे और वैसे भी वो शिवम के आगे बोलेंगे, आपका ऑडियो नहीं आएगा जमीयत साहब, आप हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं, प्लीज उनकी बात हो जाने प्लीज प्लीज। आशुतोष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जमीयत का क्लियर एजेंडा है कि कोई आदमी किसी गला काटने की वजह से जेल में हो, चाहे बम ब्लास्ट के मामले में जेल में हो, अगर वो मुस्लिम है वो उसका समर्थन करेंगे और इसी विषय को लेकर वो कोर्ट पहुंच गए। एक समाजवादी का एजेंडा दूसरा है, इनको मुस्लिम चाहिए, इनको यादव चाहिए और आजकल ये ब्राह्मण 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 भी बहुत करने लगे हैं, वो अलग बात है कि इनके पीडीए में ब्राह्मणों का कोई नाम तक नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि थोड़े से ब्राह्मण आ जाएंगे तो तारीफ हो जाएगी, विषय साफ है, ये अपनी जाति और धर्म को लेकर इसको एक एंगल से देख रहा है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत कब्जा बेदखली 1973 सेक्शन 4(1) के तहत जो भी जगह अवैध है उसका पता चलता है, उस पर कार्रवाई होती है। एग्जाम्पल मैं 10 सेकंड और लूंगा, आशुतोष जी ने मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया, वैसे वो अच्छे इंसान है, लेकिन अगर मान लीजिए कर दिया, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती है, अब उन्होंने फ्लैट में पता नहीं कौन सी दीवार बढ़ाई हुई है, कहां पर बैल्कनी थोड़ी सी आगे निकाली हुई है, क्या कब्जाया हुआ है, जब उनका पता चलता है तो भैया इन पे नोटिस जाते हैं, जब नोटिस जाते हैं वो जवाब ना दें, उसके बाद जो है पेश ना हो तो कार्रवाई होती है, ये कानून है और ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी ऐसा ही है, राजनीतिक विरोधियों पर आप लोगों की ज्यादा निगाह रहती है जाति धर्म के हिसाब से, कौन सी दीवार सही तरीके से बनी है, कौन सा नक्शा पास हुआ है, कौन सा नहीं, ये ज्यादातर तो राजनीतिक विरोधियों पर ही हो रहा है ना शिवम त्यागी जी, अब आपने भी एग्जाम्पल दिया आशुतोष जी का ही,
बिल्कुल नहीं चित्रा जी, आपके अब देखिए अब एक चीज बताइए आशुतोष जी, मेरे बराबर में है तो मैं किसका दूं? संबित जी का तो दे नहीं सकता, सुधांशु जी का तो दे नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ एक चीज बात साफ है, जिसका भी अनाधिकृत मकान है, जिसका भी अनाधिकृत कब्जा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ शिवम त्यागी का आपको अगर अनाधिकृत लगता है तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर, मैं फिर से कह रहा हूँ, नंद गोपाल नंदी जी के भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। मोहित खान अगर बलात्कार है वो कह रहे हैं कि हमारे तो मंत्री के, लेकिन अगर उसने कोई जो अवैध निर्माण वाला हिस्सा था उस पर बुलडोजर चला है तो आप लोग वो नहीं गिनाते आशुतोष जी, और उन्होंने आपके भी घर का उदाहरण दिया है। चित्रा जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास इतना ही काम बचा था कि वो एक राष्ट्रीय चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दें कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर तुम्हारा फ्लैट भी डिमोलिश कर देंगे। ये खुलेआम धमकी है, बहुत ही सभ्य भाषा में धमकी दी गई। मैं समझता हूँ इन सब बातों को और मैं इनसे इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लखनऊ से नहीं हूँ कि सभ्य भाषा में धमकी दूंगा जी। कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो वेस्टर्न यूपी से हूँ। अब मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए आप बोल चुके, मुझे मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी। और मैं चूंकि लगातार बोलता आ रहा हूं इसलिए इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा घर भी डिमोलिश करेंगे। कर लो ना डिमोलिश, लेकिन उससे तुम डरा नहीं सकते मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। दूसरी बात, अभी इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई कर रहा है इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट झूठा है, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है? और सुप्रीम कोर्ट जब सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी गाइडलाइंस बनाने की? सुप्रीम कोर्ट क्यों इनकी सरकारों का घरे में खड़ा कर रहा? तीसरी बात, अभी उदयपुर के अंदर जिस लड़के के ऊपर आरोप लगे वो वहां किराएदार था, उस मकान को डिमोलिश कर दिया गया। ये तो कानून के हिसाब से, लेकिन ब्रजभूषण शरद सिंह का मकान डिमोलिश नहीं हो सकता। चाहे इस देश की तमाम भारत के लिए पदक लेने वाली महिलाएं बच्चियां कुछ भी कर लें, उनके साथ सड़क पर उनका घसीटा जाएगा, उनके साथ सब कुछ किया जाएगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि वोट लेकर आते हैं इसलिए उनका घर डिमोलिश नहीं होगा। आशुतोष जी, उदयपुर वाले मामले में बताया गया वो अवैध मकान था। चित्रा जी एक मिनट मुझे बोलने नहीं दीजिए। अवैध क्या है और वैध क्या है ये तो सरकार तय करती है ना। अगर सब कुछ वैध हो रहा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टिप्पणी की? सब कुछ फैसला नहीं किया है कोर्ट ने, कोई फैसला नहीं दिया है उस पर, सुझाव मांगे हैं। प्लीज आप डिफेंड मत करिए। आशुतोष जी, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, डिफेंड नहीं कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज डोंट डिफेंड। मैं पत्रकार के हैसियत से और आपके चैनल पे खुलेआम मुझे धमकी दी गई, आप तो देख ही रहे हैं इस बात को। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि सीधी सी बात है, अगर सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा था तो आज सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, क्योंकि जमीयते उलेमाए हिंद वहां पर गया हुआ था इस मांग को लेकर, और उसके बाद कोर्ट ने कहा, जिसके बाद केंद्र ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन चैनल पर खुलेआम उन्होंने उदाहरण दिया था, जो दर्शक देख रहे होंगे वो मुझे लगता है कि ज्यादा इस बेहतर तरीके से जज करें। शिवम त्यागी जी, क्लोजिंग कमेंट बहुत कम वक्त है हमारे पास, जल्दी से। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि आप धमकी दे रहे हैं। आशुतोष जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैंने आपको बिल्कुल धमकी नहीं दी है। शिवम त्यागी लखनऊ से नहीं आता कि इतने सम्मानित तरीके से धमकी देता, पहली बात तो मैं देता ही नहीं, लेकिन मैं इतने सम्मानित तरीके से नहीं देता। मैं तो अखर तरफ से आता हूँ, वेस्टर्न यूपी से, यहाँ इतने सम्मान से कौन धमकी देता है भाई? और दूसरी बात, ये इमोशंस पर घुमाना बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा इससे कोई धमकी नहीं है आपको भाई, ये विक्टिम कार्ड जेब में लेकर घूमते हैं क्या? वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस कार्यक्रम में हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर धमकी कोई किसी को नहीं दे सकता है, इसकी इजाजत भी कतई ना हमारे चैनल की ओर से ना शो की ओर से किसी को दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि बुलडोजर जो लगातार बीजेपी शासित राज्यों में अलग अलग तरीकों से जिसकी कार्रवाई हम देख रहे थे, आगे आने वाले वक्त में क्या उसके पहिए पर लगेगी लगाम? सुप्रीम कोर्ट की ओर से आगामी दिनों में इसको लेकर क्या दिया जाता है फैसला, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।